गाइस, और सब कैसे हो। एक चीज़ आपको अभी दिखाएंगे, अभी क्रोजन कैसे बनते हैं, तो उसका ही थोड़ा सा वीडियो मैं आपको सामने लेके आता हूँ। ये देखिए सेब बना रहे हैं कुछ, इधर देखो लुकेट में। तो इसका प्रोसेस बता सकते हैं कैसा कैसा बनता है? बन रहा है देखो, अभी ये पूरा रोल करके लाया है इधर, और अभी ये बनने वाला है। इसको बनाने के लिए कितने टाइम लगते हैं? 24 घंटा। ये बनाने के लिए 24 घंटा लगता है। इसको एक दिन पहले डो मार के इसका रखना पड़ता है ना डीप में। yes. उसके बाद दूसरे दिन आके उसको बटर अप्लाई करते हैं, उसके बाद फिर रेस्ट देना पड़ता है बटर डालने के बाद। हाँ, उसके बाद बटर डालने के बाद थोड़ी देर रेस्ट देते हैं, उसके बाद फिर अभी कटिंग करके अभी बना रहे हैं। देखो एक लोट में कितना बनता है शेफ? एक लोट में अभी बनता है 20। अच्छा, तो इसमें से ही सब चॉकलेट चीज प्लेन सब बनने वाले हैं ना? सब इसी में बनाएंगे, आलमंड भी इसमें बनाएंगे, चॉकलेट भी इसमें बनाएंगे। अच्छा, तो इसमें हर तरह का फ्लेवर बना सकते हैं, चॉकलेट हो, चीज हो, जो भी आपका बनाना रहेगा। यहाँ पे हमारे यहाँ पे तो तीन ही फ्लेवर बनते हैं, एक चीज, एक चॉकलेट, एक प्लेन ना। अच्छा, ये कितने प्रकार के क्रोजन बनते हैं? चार पांच फ्लेवर का बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है कितना फ्लेवर आप बनाना चाहते हैं। देखो ये कटिंग हो रहे हैं। तो आपने ये काम कितने दिनों में सीखे? ये काम हमने सीखा 2 साल में। अच्छा, 2 साल लगते हैं ये काम सीखने के लिए। देखो ये कटिंग होके साइड में रख रहे हैं। देखो ये चॉकलेट बना रहे हैं, ऐसे चॉकलेट डालते हैं, उसके बाद इसको रोल करते हैं ना, इसको फोल्डिंग जैसे करते हैं, तो ये फोल्डिंग करके बस इसको साइड में रख दिए। तो ये बन गया अपना चॉकलेट क्रोजन। अच्छा सॉरी, प्रूफ होने के लिए 2.5 घंटा लगेगा। 2.5 घंटा लगते हैं। ये अभी हम तुमको 3-3.5 बजे बताएंगे। अभी ये बेकिंग नहीं होगा, अभी यहाँ पे अभी बन के अभी इसके अंदर चॉकलेट डाल के अभी यहाँ पे रख रहे हैं, उसके बाद प्रूफ होगा। प्रूफ होने के बाद इसको सीधा रेशनल में डालेंगे ओवन के अंदर। डेग में भी बेकिंग कर सकते हैं। डेग में अच्छा नहीं आता। डेग में बेकिंग कर सकते हैं, लेकिन उतना प्रूविंग नहीं होगा ना, अच्छे से उठेगा नहीं खिल के। तो वहाँ पे मेजरमेंट हो रहे हैं। ये कितने ग्राम के बनते हैं शिव? ये हमारा है कम से कम 130 का। 130 ग्राम का बनता है ना। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारे यहाँ सभी करोजन 130 ग्राम के आसपास बनते हैं। तो ये जितना है सब चॉकलेट क्रोजन है। अभी ये देखिए ये प्लेन क्रोजन बना रहे हैं, तो अभी उधर वेट करेंगे। वेट करने के बाद फिर उसको यहाँ पे ये प्लेन या चीज़ बनेगा, दो में से एक बनेगा। तो ये बन रहा है अभी चीज़। देखो ये चीज़ का स्लाइस डाला है ना, चीज़ का स्लाइस बोलते हैं या क्या बोलते हैं इनको? चीज़ का स्लाइस नहीं हो, ये चीज़ कट करके रखा है। वो ये चीज़ का फ्लेवर डाल दिया, उसके बाद उसको रोल कर दिया। यहाँ पे देखो इससे बन रहा है शेफ। अगर क्रोजन का काम सीखने के बाद कितना पेमेंट मिल सकता है सिर्फ? लगभग 30,000 के आसपास आपको पेमेंट मिलने वाला है। तो ये ट्रे लाया, अभी ये ट्रे के ऊपर रखने वाले हैं ना, और यही ट्रे के साथ जाएगा बेकिंग में। 20 मिनट बेकिंग होगा। तो अभी थोड़ा सा अप्लाई करते हैं फ्लावर, मतलब मैदे अप्लाई करते हैं ट्रे में, ताकि वो क्रोजन चिपके ना ट्रे के साथ। देखो ये ऐसा रखते हैं, उसके बाद इसको फिर बेकिंग में डालेंगे। 3 ट्रे लाया, एक में चॉकलेट वाला रहेगा, और एक में प्लेन रखेंगे, और एक में रखेंगे चीज़। तो अभी ये सब जाएगा प्रूफ होने के लिए। अभी इसको बाहर में रखेंगे प्रूफ होने के लिए। अभी इतना सारा क्रोजन सब प्रूफ होने के लिए रखेंगे।
अभी ये प्रूफ हो चुके हैं, कम से कम इसको बाहर पे रखे थे 3 घंटा 2.5 घंटा के आसपास रखे थे बाहर में, तो अभी ये फाइनल प्रूफ हो चुके हैं। अब इसको अभी डालेंगे रेशनल पे, तो मैंने रेशनल चालू करने के लिए आया, तो अभी ये ऑन करते हैं, उसके बाद इसको सेटिंग पे जाना पड़ता है। तो अभी इसके अंदर सेटिंग में जाता हूँ, सेटिंग पे आ गए। अभी सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे क्रोजन एंड डेनिस पे क्लिक करना पड़ेगा, तो वहाँ पे क्लिक कर दिया तो क्रोजन एंड डाइनिस में हो गया। यहाँ पे आने के बाद ऑटोमेटिक सब सेट हो जाता है, उसके बाद 22 मिनट का टाइमिंग लगा है, आप देख सकते हो, उसके बाद ये बजने वाला है। बजने के बाद मैं अभी इसके अंदर सब क्रोजन डाल देंगे, और डालने के बाद ये 22 मिनट बेक होगा। तो मैंने एक ट्रे डाला है, उसके बाद सेकेंड ट्रे डालेंगे। एक साथ हम लोग 3 ट्रे डालते हैं, तो मैंने अभी दूसरा डाल रहा हूँ, उसके बाद तीसरा वाला भी डालेंगे। तो ये तीसरा ट्रे है, और एक साथ हम लोग 3 ट्रे इसके अंदर आते हैं। अभी ये डोर को क्लोज कर देंगे। अभी इसके बाद ये बेकिंग हो रहा है, अभी 22 मिनट बेकिंग हो रहा है। तो उसके बाद बेकिंग होने के बाद कुछ इस तरह लुक आया क्रोजन का, आप बता सकते हो ये क्रोजन का लुक कैसा है। इसमें चॉकलेट है, चीज़ है, 3 फ्लेवर का बनाया है, तो आप ज़रूर बताना कॉमेंट में। तो वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, और हमारे ये चैनल में हर दिन मेरे वीडियो अपलोड करते रहता हूँ, और चाहे ब्लॉग हो या अपना काम का भी हो, तो मैं हर टाइप का वीडियो बनाता हूँ। ऐसा मेरे लिए हमको सामने अच्छे चीज़ वो मैं शेयर करता हूँ अपने चैनल पे। तो अगर ये वीडियो अगर देख रहे हैं आप भी, तो आपको देखने के लिए धन्यवाद।